25,000 के इनामिया बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के गोसाईगंज थाना अंतर्गत उघड़पुर में 16 सितंबर को बिल्डिंग मटेरियल व्यापारी भूपेंद्र सिंह उर्फ टिंकू की सरेआम दुकान पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन्हीं बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस और बदमाशों के बीच सोमवार रात मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर को गोली लगी। पुलिस की जवाबी कार्यवाही में 3 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। सभी का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पकड़े गए बदमाशों पर 25,000 का इनाम घोषित था। तीनों बदमाश व्यापारी की हत्या कर फरार हुए थे। स्वाट टीम और कोतवाली पुलिस को मिली सफलता। मुख्य साजिशकर्ताओं को पुलिस ने कल ही किया था गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर शिवहरी मीना ने बताया कि सुल्तानपुर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, उसी के तहत यह कार्यवाही की गई। सर क्या घटना थी? आपको बता दें कि 4 दिन पहले गोसाईगंज थाना क्षेत्र में एक युवक की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। बीती रात्रि में जो 2 मुख्य साजिशकर्ता थे वो गिरफ्तार हो गए थे। उनकी सूचना के आधार पर ही सुल्तानपुर पुलिस के द्वारा विभिन्न ठिकानों पर दबिश दी गई, जिसमें जो बदमाश थे वो निकल भागे थे। लेकिन आज मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि 3 बदमाश जो मुख्य रूप से उसमें गोली मारने में शामिल थे वो जा रहे हैं, तो कोतवाली पुलिस और हमारी स्वाट टीम के द्वारा उन्हें रोका गया, जिसमें बदमाशों ने फायरिंग कर दी। हमारे एक सब इंस्पेक्टर साहब को उसमें गोली लगी है। बदले में पुलिस ने भी फायर करा तो 3 बदमाशों को उसमें गोली लगी है। तीनों को भी हॉस्पिटलाइज किया गया, सब इंस्पेक्टर साहब को भी हॉस्पिटलाइज किया गया है। सुल्तानपुर पुलिस के द्वारा अपराधियों के जो अभियान छेड़ा हुआ है उसी के तहत ये कार्रवाई हुई। निश्चित रूप से सुल्तानपुर पुलिस का स्पष्ट मैसेज सभी अपराधियों को है, किसी भी स्थिति में कोई भी अपराध करेगा उसके लिए कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुल्तानपुर पुलिस के द्वारा की जाएगी।